हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हैं? तो चलिए आज का सब्जेक्ट हिंदी। इन पिछले क्लास में मैंने आपको कौन सा अक्षर सिखाई थी? बड़ा ढ, महाप्राण ढ, ढ अक्षर सिखाई थी। ढ के बाद कौन सा अक्षर आता है वो आज मैं सिखाने वाली हूँ। उससे पहले हम और एक बार व्यंजन अक्षर को और एक बार दोहराएंगे। तो चलिए टेक आउट योर क्लास वर्क बुक। कौन सा अक्षर ये? व्यंजन। व्यंजन लिखो, उसमें हम कौन सा है लिखते लिखते जाओ, मेरे साथ ही बोलते बोलते लिखते लिखते जाओ बच्चों। ओके, पहला अक्षर क। पहला अक्षर कौन सा है? क। क से कमल। क से कमल। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ा ख। ख से खरगोश। ख के बाद कौन सा अक्षर आता है? ग। ग से गमला। ग से गधा। ग से गाजर। ओके, उसके बाद बड़ा अक्षर घ आता है। घ से घर। घ से घड़ा। घ से घड़ी। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है? ञ। ख ख ग घ ञ। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? पहला अक्षर। दूसरे लाइन में च। च से चम्मच। च से चटाई। च से चरका। च से चम्मच। च से चटाई। च से चरका। उसके बाद बड़ा छ आता है। छ से चतरी। छ से चननी। छ से चढ़ी। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? ज। ज से जग। ज से जल। ज से जहाज। ज से जग। ज से जल। ज से जहाज। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ा झ। ज से झंडा। ज से झरना। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है? ञ। ओके, इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? ट से टमाटर। ट से टमाटर। ट से टमाटर। ट से ट। ट से टमटम। ट से टमाटर। ट से ट। ट से टमटम। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ा ठ। मेरे साथी बोलते बोलते लिखो बच्चों। ठ से टटेरा। ठ से टोकरी। ठ से टप्पा। ट से टटेरा। ट से टोकरी। ट से टप्पा। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? ड। कौन सा अक्षर है? ड। ड से डमरू। ड से डब्बा। ड से डंडा। ड से डमरू। ड से डब्बा। ड से डंडा। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ा ढ। ढ से ढक्कन। ढ से दाल।
ड से डफली, ड से ढक्कन, ड से ढाल, ड से डफली। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। वो कौन सा अक्षर है देखेंगे क्या आप? आपके पास ये बुक है ना, वसंत हिंदी अक्षर ज्ञान, ये बुक निकालो। पेज नंबर 18 निकालो बच्चों। देखो बच्चों ये कौन सा अक्षर है, न। न अक्षर को कैसे लिखना वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ ही देखते देखते लिखो बच्चों। देखो बच्चों न अक्षर को कैसे लिखना वो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले ऐसे एक कर्व करना है, करके उसके बाद उसके बाजू एक स्टैंडिंग लाइन लिखना है, इसको क्या बोलते हैं न। पहले ऐसे कर्व करना है, उसके बाजू एक स्टैंडिंग लाइन लिखना है, इसको क्या बोलते हैं न। एक कर्व करना है, इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन लिखना है, न। कौन सा अक्षर ये न। देखिए आपने कितना आसान है ना ये लिखने के लिए। ऐसे ही आप क्लास वर्क बुक में एक एक लाइन के ऊपर लाइन में 4 या 5 अक्षर लिख के पूरा एक पेज लिख के मेरे व्हाट्सएप को सेंड करना है बच्चों। ओके तो चलिए बच्चों अब आपके टेक्स्ट बुक में कैसे लिखना है वो सिखाए हैं वो देखेंगे। आपके पास ये बुक है ना बच्चों, कौन सा बुक, आओ लिखो अक्षर, ये बुक निकालो। इसमें पेज नंबर, यस पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 निकालो बच्चों। उसमें न अक्षर को कैसे लिखना वो दिखाए हैं, वैसे ही आप भी लिखते लिखते जाओ बच्चों। देखो बच्चों ऐसे डॉट दिए हैं ना, उसमें ऐसे ही ट्रेस करो, उसके ऊपर ऐसे ही ट्रेस करो। पहले ऐसे कर्व करना है, बाद में स्टैंडिंग लाइन लिखना है, ऐसे लिख के ऊपर स्लिपिंग लाइन लिखना है, इसको क्या बोलते हैं न अक्षर, न बोलते हैं। ऐसे ही लिखते लिखते जाओ बच्चों, प्रैक्टिस होता है आपको लिखने के लिए। ओके न, कौन सा अक्षर ये न। ओके न, न। ऐसे ही डॉट के ऊपर लिखते लिखते जाओ बच्चों। फिर यहाँ खाली छोड़े है ना बॉक्स में, उसमें आप ही लिखो ऐसे। इतना आसान है ना ये अक्षर, ऐसे लिखते लिखते जाओ बच्चों, पूरा फिनिश करना है लिख के। ओके इसे पूरा ये पेज लिख के मेरे व्हाट्सएप को सेंड करो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।